हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्टॉक मार्केट मूड हिंदी में हैरी परमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्टॉक मार्केट में हर रोज कुछ नया सीख रहे होंगे और प्रॉफिट कमा रहे होंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर स्टॉप लॉस कैसे काम करता है, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं क्योंकि काफी लोगों को जो नए ट्रेडर होते हैं उनको काफी दिक्कत आती है। तो जो लोग नए नए मार्केट में आए हैं या आते हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है, स्टॉप लॉस लगाना। स्टॉप लॉस के बारे में अधिक जानकारी ना होने के कारण कुछ नए ट्रेडर अपनी ट्रेड में नुकसान कर बैठते हैं और मार्केट को भला बुरा कहते हुए निकलते हैं रोज, हर बार ऐसा ही होता है ना, जिस कारण या तो वेट मार्केट से आउट हो जाते हैं या फिर उनका पैसा कम हो जाता है, जिस वजह से वह अपने मुनाफे वाली ट्रेड में भी अच्छा पैसा नहीं कमा पाते। कई बार ऐसा भी होता है कि हम स्टॉप लॉस तो लगाते हैं पर वह हिट हो जाता है और हमारी ट्रेड क्लोज हो जाती है, पर कुछ समय बाद वह स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ, मतलब कि जिस तरफ हमने ट्रेड ली थी उसकी उस तरफ चलना शुरू हो जाता है। क्यों? बहुत सारे ट्रेडों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी पहले पहले ऐसा ही हुआ था कि स्टॉप लॉस तो लगा दिया, ट्रेड भी अच्छी थी, पता था ये ट्रेंड मजबूत है, फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। क्यों हिट होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज की जो वीडियो है वो मेरी वो स्टॉप लॉस के ऊपर है कि स्टॉप लॉस हम कैसे लगा सकते हैं। ट्रेड लेने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर यह स्टॉक जो यह हम जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं यह ट्रेंड हमारी तरफ नहीं गया, जैसे हमने सोच रखा है उल्टी दिशा में चला गया, तो हम अपना कितना लॉस बुक कर सकते हैं मिनिमम से मिनिमम, यह हमें पहले पता होना चाहिए। प्रॉफिट तो चलो बात की बात है, वो तो अगर स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया हमारी दिशा में चला गया तो प्रॉफिट तो होना ही है, पर हम स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, हमारा लॉस पहले से ही पता होना चाहिए कि अगर 2000 रुपए का लॉस आज के दिन हुआ तो मैं निकल जाऊंगा, या 2000 का या 5000 का, जो भी आपकी क्या नाम उसका आपकी हैसियत है, जितना भी आप लॉस सहन कर सकते हैं उसके हिसाब से लगाएं। तो जैसे कि मैंने आपके बताया कि पहली बात, जब भी किसी स्टॉक में पोजीशन लेते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमने खरीदारी करनी है या स्टॉक को बेचना है, समझ गए दोस्तों। हमें यह तो पता होना चाहिए ना कि हम ये स्टॉक किस ट्रेंड में जा रहा है, हम इसमें खरीदारी कर रहे हैं या बेच कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मैं आपको चलो आपको एक्सेल की फाइल में ले जाता हूं कि आप सिंपल एक स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। बाकी जब आप ट्रेड लेते हैं तो मैं उसके स्टॉप लॉस के बारे में बताऊंगा। एक जो स्टॉक पहले से ही हमें मालूम हो कि हम कितना नुकसान सहन कर सकते हैं इस स्टॉक में और हम वहां से निकल जाएंगे अगर मेरी ट्रेड मेरी दिशा में नहीं गई और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो समझ गए दोस्तों। तो चलो चलते हैं, मैं आपको एक एक्सेल शीट पे ऊपर इसके बारे में बताता हूं। ये मैंने एक एक्सेल शीट बना रखी है तो मैं इसका व्यू थोड़ा सा ऊपर की तरफ जूम इन करता हूं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ। ये देखिए, ये मैंने लिया है इन्वेस्टमेंट। तो मान लो कि मेरी आज जो मैंने इन्वेस्ट करना है, इंट्राडे हो चाहे कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, इंट्राडे हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हो या कुछ भी हो, तो मेरी आज की जो इन्वेस्टमेंट है वो है मेरी क्या नाम उसका 1,00,000 रुपीज। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूं,
तो मेरी जो आज की ट्रेड की इन्वेस्टमेंट है वो जो है वो 1 लाख रुपीज है। ठीक है जी, मैंने 1 लाख रुपए यहां पे इन्वेस्ट करने हैं आज। और या आप शीट देख रही होंगे, सब कुछ सामने है, अगर आपको पता चल रहा तो ठीक है, नहीं तो मैं समझाता हूं कि मैंने आज जो इन्वेस्ट करना है वो 1 लाख रुपए है, और उसमें जो लॉस सहन करके अगर मेरे को लॉस हुआ तो मैं 5,000 तक का लॉस सहन कर सकता हूं। मतलब कि अगर मेरे को इस ट्रेड में 1 लाख रुपए की ट्रेड में 5,000 का लॉस हुआ तो मैं यहां से क्विट कर दूंगा, बाहर निकल जाऊंगा। ओके, इतना तो आप समझ गए हो ना दोस्तों। तो आप, मैं 5,000 के लॉस को बियर करके यहां से बाहर चला जाऊंगा। तो दोस्तों मान लो, एग्जाम्पल के तौर पर, कि मान लो स्टॉक का जो प्राइस है, जो स्टॉक का प्राइस है वो है, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि मान लो स्टॉक का जो प्राइस है वो 230 रुपये। ठीक है जी, स्टॉक का जो प्राइस है वो 230 रुपये है। मान लीजिए कि हमने 230 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। तो ये देखिए, हमने 230 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। तो मैं यहां पे 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 230 उसके प्राइस को कर देता हूं, तो ये 434 स्टॉक आ गए, 434.78, तो 434 की क्लिप लगा लो, ये स्टॉक क्वांटिटी आ गई आपकी, जितने आपने स्टॉक खरीदने हैं 1 लाख रुपए में। समझ गए ना आप दोस्तों, तो आप कितने आपने खरीदने हैं। ठीक है, तो 230 पे आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया इस स्टॉक में, 230 रुपए का वो स्टॉक का प्राइस था और आपने 434 स्टॉक खरीदे, तो आप चाहते हो कि 1 लाख रुपए में अगर आपको 5,000 का नुकसान होगा, मतलब स्टॉक आपकी दिशा में नहीं गया, तो आप 5,000 का नुकसान लेके वहां से निकल जाएंगे, आपको मुड़के नहीं देखना। अब रोज प्रॉफिट नहीं होता, रोज नुकसान नहीं होता, आपको इतना बात तो पता है स्टॉक मार्केट में। तो अगर हम यहां पे 5,000, हमने 434.7 स्टॉक खरीदे हैं, तो यहां पे हमने 5,000 को डिवाइड कर दिया हमने 434 स्टॉक जितने आए हैं उसके हिसाब से, क्योंकि लॉस हमने चाहिए 5,000, 5,000 को 434 से डिवाइड करना है ना, पर स्टॉक लॉस हमें पता चल जाएगा, तो हमारा पर स्टॉक लॉस होगा जो 11x5 होगा। समझ गए आप दोस्तों, देखिए 11.5, ये 230, अगर हम 11x230 करेंगे तो हमारा, सॉरी, स्टॉक है 434.78, 434.78, तो हमारा ये 5,000 का डिवाइड हो गया, मतलब 5,000 का स्टॉक में हमने, एक स्टॉक में हमें 11, 11.5 रुपए हमें लॉस अगर हो गया तो हम बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वो ऑल ओवर लॉस वो 5,000 का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर स्टॉक, ये स्टॉक का प्राइस है, लेवल प्राइस, लॉस प्राइस, स्टॉक का ये लॉस प्राइस है, अगर स्टॉक इस प्राइस पे आ गया नीचे, समझ गए दोस्तों, ये इसको रेड कर देता हूं, अगर ये स्टॉक इस प्राइस पे आ गया 218.50 रुपए भी, तो मैं यहां से एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। या तो आप स्टॉप लॉस अपने माइंड में रखें, या आप इसको लगा दें अपने ब्रोकरेज पे, जब भी आप स्टॉक खरीदते हैं तो आप
इसको लगा सकते हैं, जब भी स्टॉक नीचे आएगा 218 रुपए पे तो आप वहां से निकल जाएंगे। जैसा कि मैंने दे रखा है आपको नीचे कि इफ स्टॉक प्राइस विल बी डाउन अप टू 218.50, अगर स्टॉक का जो प्राइस है 218.50 नीचे आ जाएगा तब मैं अपनी ट्रेड क्वाइट कर दूंगा या मेरा स्टॉप लॉस तब हिट हो जाएगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। दोस्तों हमें नुकसान पहले से पता होना चाहिए कि हमारा नुकसान इतना होगा तो हम यहां से निकल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि ये 218 तक जाएगा, 223-224 में भी घूम सकता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। आपको वेट करनी पड़ेगी क्योंकि स्टॉक कई बार वापस उसी दिशा में घूम जाता है। ये होता है एक स्टॉप लॉस हंटिंग, इसको कहते हैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है और ये 218.5 से थोड़ा नीचे जाकर 215 तक जाके द्वारा से ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाता है, इसको स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। और बड़े बड़े ट्रेडर जो होते हैं उनका मुनाफा ही ऐसे होता है कि वो स्टॉप लॉस हंटिंग कर देते हैं और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, हिट हो जाता है, आप लॉस लेके बाहर निकल जाते हैं। और फिर ये बिल्कुल बढ़िया है कि स्टॉक आपकी दिशा, स्टॉक बॉक्स स्टॉक का अप ट्रेंड बहुत बढ़िया है, उसने ऊपर ही जाना है, मगर वो उसने आपने एनालिसिस करके अच्छा स्टॉक खरीदा जिसमें आपको पता चला कि ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा मगर फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो स्टॉप लॉस हिट होने के कई कारण होते हैं। एक तो आपका एंट्री पॉइंट क्या है, आप एंट्री किस प्राइस लेवल पे कर रहे हैं, और दूसरा आपकी डेली एक इसमें एटीआर होता है, एवरेज ट्रू रेंज, मतलब प्राइस स्टॉक की एवरेज रेंज क्या है कि पूरा दिन वो कितना लेवल में कितने पॉइंट्स की वो मूवमेंट दे सकता है एक तरफ, तो उसके हिसाब से हम स्टॉक में हम अपनी एंट्री या एग्जिट ले सकते हैं, वो बहुत जरूरी होता है। समझ गए दोस्तों? तो ये होता है स्टॉप लॉस लगाना, और हमें पहले से ही पता होता है कि हमारा लॉस कितना होगा, इससे ऊपर मैं लॉस बेयर नहीं कर सकता। अगर आप इस तरीके से हमेशा आप इस तरीके से अपनी ट्रेड लेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि आप अपनी कैपिटल को लूज करेंगे जो आप 2, 4, 10 या 15 लाख रुपए आप लेकर आए हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें आप अपने कैरियर बनाने के लिए, तो आपको स्टॉप लॉस अपना पहले से ही मालूम होना चाहिए कि आप इतना बेयर कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, समझे दोस्तों, तो होता क्या है कि वो सोचते हैं कि यार ये स्टॉक अब ऊपर जाएगा, अभी 218.50 पे आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आप सोचते हो कि यदि 218.5 पे आ गया मैं थोड़ी वेट कर लेता हूँ, थोड़ा ये 216 पे आ जाता है, 210 पे आ जाता है, 209 पे आया तो आपका लॉस कितना हो जाएगा, हिसाब लगाओ। तो वहां से ट्रेंड रिवर्सल होगा कि नहीं होगा ये ही नहीं पता, समझिए ना दोस्तों। तो जैसे कि अगर ये स्टॉक 216 या 210 पे आ जाता है तो आपको कितना लॉस होगा, देखिए मैं अभी बताता हूं। अगर ये स्टॉक 210 पे आ जाता है, 210 पे आपकी क्वांटिटी कितनी है, ये है आपकी क्वांटिटी 434.78, तो अगर ये स्टॉक 210 रुपए पे आ जाता है इनटू 499,000 सीधा 10,000 के करीब, 8,000 के करीब आपका लॉस हो जाता है, 8,000 के करीब। तो ऐसे ही अगर आप लॉस करते रहो, स्टॉप लॉस ना लगाओ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये
एक उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया कि 11 रुपए 5 पैसे, मतलब 11 रुपए 5 पैसे का स्टॉप लॉस, 5,000 का लॉस अगर आप उससे ऊपर नहीं करना चाहते, तो इसमें भी 11.5 रुपए, ये कितना हो गया, 5% का करीब हो गया। तो परसेंटेज के हिसाब से भी हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि जैसे कि 230 रुपए का स्टॉक है, आप देख सकते हो कि ये 230 रुपए का स्टॉक है यहां पे, अगर आप इसमें अगर 230 रुपए का स्टॉक है तो आप इसमें 1,00,000 की आपने क्वांटिटी इन्वेस्ट की है, तो आप इसमें 1.85% का लॉस के ऊपर बियर नहीं करेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं परसेंटेज, स्टॉप लॉस परसेंटेज, स्टॉप लॉस परसेंटेज मैं यहां पे लिख देता हूं, तो ये होगी 1.68 कर देते हैं, 1%, जो 1.68% है इससे ज्यादा आप इसमें लॉस नहीं करेंगे, समझ गए दोस्तों। तो अगर ये देखिए 229, 434 का, 230 का 1.68%, अगर स्टॉप लॉस प्राइस क्या हो गया, अगर 230 का माइनस 1.68% आप करते हो तो ये होता है 226 रुपए 36 पैसे, 226 रुपए 36 पैसे पे अगर यह स्टॉक आ जाता है, समझ गए आप दोस्तों, 226 रुपए 36 पैसे, आई थिंक 36 पैसे ही है, सॉरी 226 रुपए 13 पैसे, 226 रुपए 13 पैसे, 226 रुपए 13 पैसे अगर इस लेवल पे स्टॉक आ जाता है तो आप यहां पे क्विट कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1.68%, 230 के प्राइस लेवल बहुत बढ़िया होता है, 3 रुपए का या 4 रुपए का वो हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस लग जाता है 1.68%। तो अगर ये स्टॉक 226 रुपए 13 पैसे पे आता है या 15 पैसे पे आता है तो आप इसमें स्टॉप लॉस लगा के आप बाहर निकल सकते हैं, और इस 226 रुपए पे आपको कितना नुकसान होगा, तो 1,00,000 क्वांटिटी है आपकी, 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट है आपकी, तो 226.15 और ये आपका है 434.78, तो हम देखते हैं कि आपका नुकसान कितना होगा, सॉरी यहाँ पे हम इसका जो परसेंट है वो निकाल लेते हैं, माइनस पर स्टॉक या आपका पर स्टॉक लॉस हो गया, तो यहां पे हम लिखेंगे पर स्टॉक लॉस, 3.87 रुपए आपका एक स्टॉक पे लॉस होगा, तो 3.87 रुपीज पर स्टॉक लॉस होगा, और क्वांटिटी है कि और स्टॉक क्वांटिटी कितनी है, तो पर स्टॉक लॉस और स्टॉक क्वांटिटी आपकी इतनी है, तो आपका लॉस, तो आपका नेट लॉस कितना होगा, 3 × 1,682 रुपए, आपका 1,00,000 की ट्रेड में अगर आपको 1,682 रुपए आपको लॉस होता है 0.168% के हिसाब से, तो आप वहां से निकल जाएंगे, समझ गए दोस्तों।
तो ये होता है स्टॉप लॉस लगाने का एक तरीका। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी। मैं आपको एटीआर के हिसाब से जो स्टॉप लॉस लगाते हैं एवरेज टू रेंज के हिसाब से कि स्टॉक एक दिन में कितनी एवरेज को गेन करता है, जैसे कि निफ्टी 50 है 200 पॉइंट तक एक दिन वो चलता है, बैंक निफ्टी है वो 800 से 1000 पॉइंट तक चलता है, ऐसे ही स्टॉक हर स्टॉक का एक अपनी रेंज होती है कि वो एक दिन में कितना ऊपर या कितना नीचे, वो कितना सफर तय करता है, कितने पॉइंट का सफर तय करता है, उसके हिसाब से हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं या उसमें ट्रेड लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है, मैं उसके ऊपर भी बहुत बढ़िया जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा कि आप एटीआर के हिसाब से हम कैसे स्टॉक में ट्रेड लेते हैं और उसका हम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं और उसमें हम प्रॉफिट बहुत अच्छे तरीके से, हम प्रॉफिट और लॉस रेशियो, मतलब प्रॉफिट हमें कितना होगा, वन प्रॉफिट हम उसमें कितना गेन कर सकते हैं, उसमें हमारा लॉस कितना होगा, उसके उस रेशियो के हिसाब से हम एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं एटीआर के साथ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो जैसे कि मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरा यह वीडियो या मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबके साथ शेयर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में आप इसमें बहुत सारी चीजें फ्री में सीख सकते हैं। जैसे कि आपके लिए ये वीडियो मैंने आज स्टॉप लॉस की बनाई है, तो आप फ्री में सीख कर आप अपनी एजुकेशन लेवल स्टॉक मार्केट के बारे में आपकी आप अपनी एक आईक्यू लेवल आप बढ़ा सकते हो, आप अपनी योग्यता बढ़ा सकते हो और आपको आने वाले टाइम में किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि स्टॉक में निवेश कैसे करें और कैसे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएं या हम प्रॉफिट और लॉस रेशो किस तरह से हम तैयार करें कि हमारा लॉस इतना हो सकता है और प्रॉफिट उसकी कितना हो सकता है रेशो के हिसाब से। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इस चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों को भी बताओगे। तो इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर है कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है, स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है, कृपया आप निवेश करने से पहले अपने फंड मैनेजर से जरूर बात सलाह ले लें। हमारा उद्देश्य आम जनता को स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी प्रदान करना है, हम किसी को भी निवेश करने की सलाह नहीं देते। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।